हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज़ लेक्चर फॉर ज्योग्राफी। ऑप्शनल टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। टॉपिक है डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म। एरियल डिफरेंशिएशन और रीजनल सिंथेसिस हमने कवर कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बोरिंग सा टॉपिक है ये। नॉर्मली बुक्स में ढंग से नहीं दिया होता, कोचिंग्स में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता। मैक्सिमम लोगों को गलत ही मालूम होता है इन दो चीज़ों के बारे में। तो इस कोर्स की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो। इट इज़ अवेलेबल हेयर एट ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो जैसे कि इसकी अगर डिटेल्स देखें तो दिस इज़ बेसिक लेक्चर, यूट्यूब पर रहने वाला है। दिस इज़ लेवल टू लेक्चर। लेवल वन में जो जीएस से कॉमन लेक्चर्स हैं वो रहेंगे, लेवल टू में मेनली ऑप्शनल, और लेवल थ्री एंड फोर में मोर एडवांस्ड लेक्चर्स। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये लेक्चर का कंटेंट ऑलरेडी इसमें मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी जो पेड यूज़र्स हैं दे कैन अवेल अदर बेनिफिट्स। दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक फॉर दिस ग्रुप, ज्योग्राफी ऑप्शनल सिनॉप्सिस आइस एक्सप्लेन्ड। SYNGEOG इट इज़ फॉर ज्योग्राफी, GEOL इज़ फॉर जियोलॉजी। सो पेपर वन में देखें हम डुअलिज्म पर्सपेक्टिव में आता है यहाँ पर, और जो हमारा रियर इन सिलेबस है उसमें पर्सपेक्टिव में डाइकोटोमी और डुअलिज्म दोनों चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो इस पर क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कैसे आए हैं। डाइकोटोमी में मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं दोज क्वेश्चंस आर मेनली रिलेटेड टू डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म का है। दूसरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म है कि लैंड ही रेगुलेट करता है ब्लाइंड ब्रूटैलिटी के साथ में। तो रेडजेल और सिंपल एलन सिंपल उन्होंने ये बातें कही थी। देन अगेन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, देन डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म, देन नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, देन एलन चर्चिल सैंपल अर्डेंट सपोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म है। तो ये सारा एक ही टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिस इज मेनली डुअलिज्म को एक्सेप्ट करता है। डाइकोटोमी जब लगातार चलती रही तो बाद में ये है, और देन कॉम्पेज। ठीक, तो कॉम्पेज हम पिछले लेक्चर में बेसिक देख चुके हैं। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट नोट ऑन डुअलिज्म इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, और फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करेंगे। कई टाइप का डुअलिज्म होता है, तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे। डाइकोटोमी और डुअलिज्म अगर हम देखें एक लुक, तो इतने टाइप का डुअलिज्म होता है। डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म ये पांच छह इनफैक्ट इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है। तो जब जैसे आता जाएगा सिलेबस में वो हम कवर करते जाएंगे। जनरल जियोलॉजी वर्सेज जनरल ज्योग्राफी वर्सेज रीजनल ज्योग्राफी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने एरियल डिफरेंशिएशन और रीजनल सिंथेसिस पढ़ा था। ये वाले हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में देखेंगे, ये एक फालतू सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस लेक्चर में हम फिजिकल और ह्यूमन वाला कवर करेंगे। डिटर्मिनिज्म इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखो सिलेबस में दोनों टॉप पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक पॉइंट है डाइकोटोमी, अनदर वन इज डुअलिज्म। तो इनका डिफरेंस क्या है? माजिद हुसैन की चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आप पढ़ सकते हो। साथ में जो स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 7। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैव नोटेड डाउन हेयर। साथ में उसका जो भी बुक है मार्क्ड बुक आई विल ऑल्सो अपलोड। तो डाइकोटोमी क्या कहता है? ये कहता है विरोधाभास की बात करता है, द्विविभाजन, इधर ए और बी। ठीक है, डुअलिज्म द्वैतवाद की बात करता है, मतलब दो लोग एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। डाइकोटोमी क्या करता है? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू टू फॉर्म्स। ठीक है, और वो दोनों फॉर्म स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रेस्टिंग होती हैं। डुअलिज्म क्या कहता है? एक सब्जेक्ट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसको हम एक बार फिगर से देखते हैं, ये समझते हैं। देखो डाइकोटोमी और डुअलिज्म, डाइकोटोमी कहता है या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये ए है या बी है, या तो ज्योग्राफी इज़ फिज़िकल या फिर ह्यूमन, दोनों नहीं हो सकती हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं वो कहते हैं देर इज़ नथिंग लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं देर इज़ नथिंग लाइक फिजिकल ज्योग्राफी। डुअलिज्म क्या है? दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है ये वाला जोन, दिस इज़ डुअलिज्म। अगर हम इस तरह से समझें तो दो एक्सट्रीम्स हैं डाइकोटोमी वाले, या तो कहते हैं या तो ए होगा या बी होगा, दोनों एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। डुअलिज्म कहते हैं ए और बी। तो लाइफ में भी ऐसे बहुत से डाइकोटोमी डुअलिज्म होते हैं। ठीक है, ऑलवेज़ देर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज़, और हमेशा दोनों करेक्ट हो सकते हैं, दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम में लेफ्ट वर्सेस राइट विंग पॉलिटिक्स है, ये डाइकोटोमी है। लेफ्ट वाले कहते हैं कि राइट विंग पॉलिटिक्स कतई फालतू है, राइट वाले कहते हैं कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कतई फालतू है। एक्चुअल में जो बेस्ट वे फॉरवर्ड आता है वो डुअलिज्म से आता है, कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की अच्छी चीज़ें लेके और ख़राब चीज़ें डिस्कार्ड करके आपको एक वे फॉरवर्ड बनाना है। सो दिस इज़ डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट।
सो डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म कई तरह की हो सकती है। एक होती है डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, इसको हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन। तो इसके बारे में मेनली अगर आपको वन लाइनर बताऊं तो डिटर्मिनिज्म आपका ये कहता है कि इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब नेचर डिटरमाइंस मैन, नेचर ये बताती है कि मैन कैसा होगा। पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि मैन डिटरमाइंस नेचर। तो ये बेसिक क्रक्स है, इतना अगर आप समझ लो तो फिलहाल सफिशिएंट है। 90% कोचिंग्स इस एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों, इसमें ऐसा क्या उनको बिल्कुल भगवान मिल जाते हैं। और एक्चुअल में जो इस टॉपिक को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर लोगों की, हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन उनको गलत ही इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल में जो ये डिटर्मिनिज्म है ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग ज्वाइंस इन नेचर्स गेम, ठीक है, ह्यूमन बीइंग नेचर के गेम को ज्वाइन करता है। एंड द मिलियो एक्सटर्ने, मिलियो होता है पर्सन का सोशल इन्वायरमेंट, एक्सटर्ने मतलब एक्सटर्नल, तो दिस इज़ अ पार्टनर नॉट अ स्लेव ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, पार्टनर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिलहाल टाइम बीइंग वही आप याद रखो जो गलत पॉइंट सब लोग याद रखते हैं, इन्वायरमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपल ने भी यही कहा था डिटर्मिनिज्म के सपोर्ट में कि मैन इज़ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, तो सीधे ये कहता है इट इज़ डस्ट ऑफ हर डस्ट, ठीक है, अर्थ हैज़ मदर्ड हिम एवरीथिंग, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं। पॉसिबलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो ये है, व्हाट दीज पीपल टेल, ये आपके जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है या आपके फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, ठीक है। तो पॉसिबलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में पॉल विडेल डेला ब्लाश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि डेफिनेटली जो ह्यूमन बीइंग है वो डिटरमाइन करता है नेचर को, लेकिन साथ में ये कहते हैं नेचर सेट्स लिमिट, नेचर क्या है बहुत सारी लिमिट्स दे देता है, ठीक है, एंड ऑफर पॉसिबिलिटीज़ फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। जैसे अभी आप अंटार्कटिका पे जाके ह्यूमन सेटलमेंट नहीं बना सकते हो, ठीक, तो ये एक डाइकोटोमी हुई। देन इनके बीच में डुअलिज्म क्या हुआ, जो नियो डिटर्मिनिस्ट जो क्वेश्चन आया था, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, तो ये कहते हैं कि आप अंटार्कटिका में खेती कर सकते हो, ह्यूमन सेटलमेंट बना सकते हो, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये एक टाइप की हुई डाइकोटोमी और डुअलिज्म। दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेज ह्यूमन ज्योग्राफी, इस लेक्चर में हम देखेंगे। जनरल ज्योग्राफी मतलब लॉ मेकिंग, ज्योग्राफी एक जर्नलिस्टिक लॉ बनाने चाहिए, मतलब टेम्परेचर के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, ठीक है। सॉइल, महाराष्ट्र की सॉइल ब्लैक है, बस दैट्स इट, इंडिया एक हॉट कंट्री है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जनरल या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी होनी चाहिए या फिर रीजनल, तो ये हम पिछले दो लेक्चर तीन लेक्चर्स में देख चुके हैं। देन फंक्शनल वर्सेस फॉर्मल है, देन हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी। हिस्टोरिकल मतलब कहते हैं कि ज्योग्राफी हमेशा हिस्ट्री के साथ डेवलप हुई है, कंटेम्प्रेरी कहते हैं कि आज की ज्योग्राफी से मतलब रखो ना, पुरानी ज्योग्राफी से आपको क्या मतलब है। फंक्शनल और फॉर्मल स्पेस क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है रीजन और स्पेस से। फंक्शनल स्पेस मतलब स्पेस की बात करता है, ठीक है। सपोज ये आपकी आयरन इंडस्ट्री है, तो इसके लिए फंक्शनल स्पेस क्या हुआ, आपका ये आयरन प्लांट यहाँ यहाँ है, तो ये आयरन प्लांट हो गया। देन ये आपका कोल सेंटर, ये मार्केट, तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपके फंक्शनल स्पेस हुए, साथ में ये इंडस्ट्री, तो ये फंक्शनल हुआ। फॉर्मल रीज़न क्या कहता है कि पूरा रीज़न, फॉर्मल मतलब फुल रीज़न, मतलब फंक्शनल मतलब हो गया ये स्पेस होता है, ठीक है, और फॉर्मल मतलब पूरा रीज़न। तो ये स्पेस वर्सेस रीज़न की पूरी डाइकोटोमी है। तो ऐसे बहुत सारी डाइकोटोमीज चला करती हैं, ठीक है, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव, ऐसी बहुत सी डाइकोटोमी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद एक बार देख लेते हैं कि ये पैदा क्यों होती हैं, ये अराइज होती है ड्यू टू मैथडोलॉजिकल, जो भी आप मैथडोलॉजी अडॉप्ट करते हो, मतलब आपका मन है अगर लॉ मेकिंग आपको देखनी है तो उस हिसाब से देखो, रीज़न वाइज स्टडी करनी है तो उस हिसाब से देखो, ठीक है। अगर आपको फिजिकल की स्टडी करनी है, नेचर के फिनोमेना की स्टडी करनी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी को सपोर्ट करोगे, ह्यूमन की पॉपुलेशन की, चाइल्ड, ये एजुकेशन, ये सब स्टडी करना, तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी में जाओगे। तो जो ये है डाइकोटोमी और डुअलिज्म, प्री हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, मतलब जब ज्योग्राफी की हिस्ट्री लिखी जानी शुरू भी नहीं हुई थी तब से स्टार्ट है ये, ठीक है। हेरोडोटस फिजिकल ज्योग्राफी और ट्राइब्स दोनों के पक्ष में थे कि इनके बारे में बात करनी चाहिए, स्ट्रैबो ने हमने देखा था रीजनल ज्योग्राफी की बात की है। तो जो डुअलिज्म है, जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, पहले क्या होता था जैसे एक ही कहने वाले थे, जैसे स्ट्रैबो की रीजनल ज्योग्राफी कई सालों तक चली, ठीक है। अब डुअलिज्म ज़्यादा कॉन्स्पिकस था, ज़्यादा विजिबल था ड्यूरिंग पोस्ट रेनाइसा पीरियड, ठीक है, जो आपका यूरोप में डार्क एज के बाद आया था, पुनर्जागरण का काल था उसमें आया, और बहुत सारी डाइकोटोमी है विद टाइम डेवलप होती रहती हैं, तो वी हैव सीन दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, तो ऑलवेज देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज, दोनों आपके करेक्ट हो सकते हैं। कंक्लूजन आपको देना है डाइकोटोमी और डुअलिज्म दोनों का,
पी जेम्स ने 1972 में लिखा है। इन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ मैनी डाइकोटोमी इज़ अ सीमेंटिक ट्रैप। ठीक है, मतलब एक ये ऐसा ट्रैप है जो आप जानबूझ के अर्थपूर्ण एक ट्रैप है कि हाँ है भी, और मतलब आप फालतू में झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, तो आप डाइकोटोमी हमेशा एक्सेप्ट करते हो, तो एक आपका सीमेंटिक ट्रैप है। डुअलिज्म इज नॉट म्यूचुअली कंट्राडिक्टिंग। ठीक है, इतना कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए जैसे कि गुड और एविल। मतलब ऐसा नहीं कि अगर ए है तो यही अच्छा है, बी पूरा ख़राब है, ऐसा नहीं। बीजेपी अच्छी है तो कांग्रेस ख़राब है, कांग्रेस अच्छी है तो बीजेपी ख़राब है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो डुअलिज्म कभी कभी पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए अच्छे और बुरे की तरह। ऑल फॉर्म ऑफ डाइकोटोमी हैव डन पर्टिकुलर डैमेज टू ज्योग्राफिकल थिंकिंग। और इनफैक्ट ये आपका लाइफ में भी दिखता है, फेसबुक पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, लोग बिल्कुल झगड़े पड़े रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी भी ये कहती है कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करना है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हमें देख के चल रहे। तो फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी को देखते हैं कि मतलब ये डाइकोटोमी कैसे ओरिजिनेट हुई। ओरिजिन इसका ग्रीक्स में देखा जाता है। पहला अगर आप इसको देखो तो ये हेकेटियस है, ये प्रो फिजिकल थे, स्ट्रैबो और एरोडोटस दोज पीपल वर प्रो ह्यूमन ज्योग्राफी। देन कम केम वेरेनियस। वेरेनियस ने ज्योग्राफिया जर्नलिस बुक लिखी 1650 में, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि फिजिकल और ह्यूमन जैसा कुछ डुअलिज्म होता भी है। तो अगर आप इनफैक्ट एग्ज़ाम में ये ना भी लिखो हेकेटियस और स्ट्रैबो आपको डेफिनेटली याद रह जाएगा। यहाँ से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी वाला। तो देखते हैं प्रो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल वाले क्या कहते हैं। तो आपको इसमें कुछ लोगों के नाम याद रखने, यही नाम हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर्स मत पढ़ो अननेसेसरी, जो लोग पढ़ाते रहते हैं ग्रीक ने क्या कहा, रोमन्स ने क्या कहा, अरेबियंस ने क्या कहा। पहले वो सिलेबस में थे, अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए पूछता था पहले। ठीक है, तो अननेसेसरी उन चैप्टर्स में मत घुसो, सीधे इस बार के सिलेबस में जाओ अभी का क्या है। ठीक, तो कांट ने सबसे पहले डिफ्लेक्शन ऑफ विंड स्टडी किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मतलब अर्थ रोटेट हो रही है, इस वजह से विंड डिफ्लेक्ट हो रही है, जो कोरिओलिस ने बाद में उसे कोरिओलिस फोर्स का नाम दिया। हम्बोल्ट ये आपके यूरोपियन थे और साउथ अमेरिका वर्ल्ड वाइड घूमे थे। इन्होंने ओशियन करंट्स की बात की, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। कॉन्टिनेंटलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है कि जो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होते हैं, ठंड भी बहुत हाई होगी और गर्मी भी बहुत हाई होगी, टेम्परेचर रेंज इज़ वेरी हाई, तो इसको कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। मुंबई में उतनी कम होगी। ठीक है, तो मतलब इनर कॉन्टिनेंट का इफेक्ट आता है। रेक्लुस ने क्या कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी शुड बी सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब लॉ मेकिंग, आप हमेशा लॉ बनाओगे। ठीक है, अगर रिवर बह रही है तो आपका यूथ स्टेज में ज़्यादा इरोजन वर्टिकली करेगी, ये लॉ है। ठीक है, अगर ये वाला ओल्ड स्टेज है तो वहाँ पर डेल्टा बनाएगी या फ्लड डिपोजिशन करेगी, तो ये एक लॉ हुए। ऐसे बहुत सारे लॉज आप बना सकते हो, इसको हम ला टेरे कहते हैं रेक्लूस का। तो ये टर्म याद कर लेना, 10 नंबर में सीधे पूछ भी सकता है कि फिजिकल ज्योग्राफी शुड बी सिस्टमेटिक। टेरे मतलब टेरेस्ट्रियल से आया, ला टेरे मतलब अर्थ या प्लेस हो गया। ठीक है, तो जो भी ज्योग्राफी है दैट शुड बी सिस्टमेटिक। देन जो डार्विन है, डार्विन ज्योग्राफी में ये डिटर्मिनिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बताए कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो सर्वाइवल के लिए, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या है, कोरोना वायरस, वो आपके लिए एक फिजिकल एस्पेक्ट है, तो अब उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ह्यूमन बीइंग कोरोना वायरस से इसी तरह जूझती रही तो फिर कुछ भी हो सकता है, वी कांट इवन इमेजिन। ठीक है, तो डार्विन ने हमेशा इस चीज़ की बात कही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इस चीज़ को जंग को जीत लेता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे कभी डायनासोर एज हुआ करती थी फिर पूरे गायब हो गए। देन ये अल्बर्ट पैंक हैं। ठीक है, हम डेविस और पैंक पढ़ते हैं ना, ये वो वाले पैंक नहीं है, ही इज़ फादर ऑफ दिस, ये वाले पैंक के इनके फादर हैं अल्बर्ट पैंक। ये डब्लू आई थिंक विलियम पैंक हैं। ठीक है, इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी टर्म, ये टर्म कॉइन की उसी टाइम में। तो अल्टीमेटली मतलब ये सब नाम तो ठीक हैं, बट अल्टीमेटली फिजिकल ज्योग्राफी वाले कहते क्या हैं, जितनी भी ये स्टडीज़ हैं, इन ऑल दीज स्टडीज़ मैन वॉज इग्नोर्ड। मतलब मैन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का, उसको ही सब ने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, रेटजेल और सैम्पल की हमने बात की ही है, ये डिटर्मिनिस्ट थे, तो सीधे सीधे ये कहते हैं मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। हटिंगटन, एल्सवर्थ हटिंगटन थे, ये तो भाई गजब इंसान था। काइंडली डोंट बी अफेंडेड, इनकी जो बुक्स हैं ये ऐसी हैं। ठीक है, ये बुक पढ़ोगे तो ये कहते हैं कि चाइनीज़ लोग हैं, इनकी आँखें बहुत छोटी क्यों होती हैं, उसका रीज़न इन्होंने बताया है। ठीक है, उनकी नोज़ क्यों छोटी होती है, उनके कान क्यों छोटे होते हैं, गोबी डेजर्ट है वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तो उनसे बचने के लिए नेचर ने इनकी आइज़ को छोटा कर दिया। ठीक है,
अब इसको ये प्रूफ कैसे करते हैं सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट बुक में, ये कहते हैं जब यही चाइनीज़ लोग जब यूरोप चले गए तो इनकी आइज़ भी बड़ी हो गई और इनकी नोज़ भी बड़ी हो गई, तो ऐसे वाहियात टाइप के ख्याल भी लोगों ने दिए हुए हैं। तो ये एल्सवर्थ हटिंगटन है, साथ में पल्स ऑफ एशिया में भी इन्होंने यही कही है कि मंगोलियन लोग ब्रूटल क्यों होते हैं, इस सब का इन्होंने क्लाइमेट से जोड़ के बताया, जो तैमूर ये सारे हैं इससे जोड़ के बताया, क्योंकि वहाँ कुछ खाना मिलता ही नहीं था तो दूसरे को मार के ही आप सरवाइव कर सकते थे। देन और भी इन्होंने ऐसी कई चीज़ें बताई हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन के लोग इंटेलेक्चुअली बेकार होते हैं, टेम्परेट रीजन क्योंकि कूल एरिया है वहाँ लोगों का दिमाग ठंडा रहता है, वहाँ लोग ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो ये हटिंगटन का कहना था। सोवियत ज्योग्राफर्स हैं, सोवियत ज्योग्राफर्स प्रो फिजिकल हैं, क्योंकि आप ये देखो ठंडे एरिया और एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोवियत जो भी रीजंस थे वहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स की ज़्यादा स्टडी की, टेम्परेचर इतना कम क्यों हो जाता है, सॉइल ऐसी क्यों है। तो डोकू चाहिए ये नाम याद रखो, ये जब आप सॉइल्स लिखोगे तो इनका आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, जो मेजर इम्फेसिस है ये फिजिकल इनिशियल पीरियड में मेजर इम्फेसिस था फिजिकल ज्योग्राफी में, रीज़न क्या था कि ज्योग्राफी आपको जियोलॉजिस्ट पढ़ाते थे, ठीक है। ज्योग्राफी आज भी आप देखो तो ज्योग्राफी का अगर आप सिलेबस उठा के देखो तो ज्योग्राफी में एज सच अपना कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी ये आपके जियोलॉजी के टॉपिक हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। बायोजियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस के पार्ट हैं। देन ये आपके पर्सपेक्टिव ठीक है आपने जबरदस्ती डेवलप कर लिया, बट दीज थिंग्स आर सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक जियोग्राफी ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। देन ये आपका डेमोग्राफी पॉपुलेशन सोशियोलॉजी हो गया। रीजनल प्लानिंग ये प्लानिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक। तो ये जो मॉडल्स थ्योरीज हैं ये सब आपने खुद दूसरों से बोरो किए हुए हैं। माल्थुसियन ये ज्योग्राफर नहीं था, मार्क्स ज्योग्राफर नहीं था, ठीक है। सेंट्रल प्लेस क्रिस्टलर और लॉश लॉश और क्रिस्टलर ये पहले ज्योग्राफर्स थे, और पेरियक्स वोल्डुबले ये ज्योग्राफर नहीं थे, वर्थनेन ज्योग्राफर नहीं थे, ये ज्योग्राफर नहीं थे, रोस्तोव भी ज्योग्राफर नहीं थे, हार्टलैंड और रिमलैंड वाले ही ज्योग्राफर थे बस, ठीक है। सब कुछ तो आपने बोरो किया हुआ है। तो ऐसे ही ये है कि इनिशियल फेज़ में जो जियोलॉजिस्ट थे वही मानते थे कि बस जो जियोलॉजी है वही ज्योग्राफी है, तो इस वजह से प्रो फिजिकल इम्फेसिस दिखता है। फिर वुलरिज और ईस्ट ने, जब भी आप ये फिजिकल ज्योग्राफी की बात करो तो इनकी लाइंस ज़रूर याद रखना, क्योंकि इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं। इन्होंने इतने स्ट्रांगली कहा है फिजिकल ज्योग्राफी को लेके, फिजिकल ज्योग्राफी इज़ द ओनली एरिया, यही इकलौता एरिया है जिसमें ज्योग्राफर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और सब भूल जाओ, ह्यूमन ज्योग्राफी जैसा कुछ नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी। इट इज़ फ्यूटाइल टू असर्ट दैट ह्यूमन ज्योग्राफी कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल एज कैन बी फिजिकल ज्योग्राफी। इसको आप सीधे ठीक है फॉरगेट अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, सीधे लिखो ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब होनी ही नहीं चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी इज़ द ओनली एरिया। तो ये तो थे ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी के प्रोपोनेंट्स। अब ह्यूमन ज्योग्राफी जो कहते हैं कि मतलब फिजिकल ज्योग्राफी फालतू है, ह्यूमन ज्योग्राफी ही है जो है, कार्ल रिटर और ये फ्रेडरिक रेटजल, इन्होंने ये बात कही है, मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट हु ब्रिंग्स चेंजेस इन लैंडस्केप। तो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी कितनी भी कैसी भी हो, मैन आपका इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेके आता ही है लैंडस्केप में। देन फेब्रे इन्होंने कहा था ह्यूमन आर एलिमेंट ऑफ लैंडस्केप, मतलब ह्यूमन लैंडस्केप चेंज करते हैं और लैंडस्केप का ही एक एलिमेंट है, ठीक है। सेम फैक्टर डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस सेम इफ़ेक्ट्स, ठीक है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी वाले कहते हैं तो उसके अपोजिट जाके ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर कहीं ठंडा एरिया हो, कोल्ड रीजन हो, तो वहाँ लोग चाय ही पिए, कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम फिजिकल फैक्टर्स डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। कश्मीर के जो वैली हैं वो ब्रह्मपुत्र वैली की कल्चर से बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन दोनों वैली हैं, दोनों हिमालयन वैलीज़ हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग का काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। देन पॉल विडेल डेला ब्लाश, इन्होंने स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पॉसिबलिज्म को फाउंड किया। जीन ब्रुनेस ये एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है, हालांकि इनका सिर्फ यही आप रट लो बस, और कुछ नहीं है, दिस इज़ इंटरकनेक्शन, ये पूरा एक बड़ा पेज होता है तो वो बाद में पीडीएफ में कन्वर्ट करने में कट कर देता है बीच में, तो सॉरी फॉर दैट, ये इंटरकनेक्शन लिखा हुआ है। जीन ब्रुनेस प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरकनेक्शन, इन्होंने कहा कि हमेशा कोई भी दो फैक्टर्स हैं, दो फिनोमिना हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनमें एक्टिविटी होती रहती है। मार्क जेफरसन, इन्होंने प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया। प्राइमेट सिटी का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी सिटी है दैट इज़ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्जर देन अदर सिटी, मतलब पॉपुलेशन के टर्म्स में। जैसे आपको कर्नाटका का एग्जांपल अभी मैं बोलूँ तो आपको एक सिटी क्या याद आएगी, बेंगलोर। महाराष्ट्र का एग्जांपल बोलूँ तो मुंबई,
खैर अभी पुणे भी है, तो इसको हम बाइनरी पैटर्न कहते हैं। ये मुंबई में जितनी बड़ी है उतनी बड़ी लगभग पुणे है, ठीक है। प्राइमेसी ये होती है कि मतलब पहली सिटी बहुत बड़ी है दूसरी सिटी से, यहाँ बैंगलोर है देन यहाँ मैंगलोर है या मैसूर है, लाइक दैट, ठीक है। उड़ीसा में आप सुनो तो बस भुवनेश्वर ही है बस, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। बंगाल में देखो कोलकाता इज 35 टाइम्स ग्रेटर देन आसनसोल, तो ये प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सिविलाइजिंग रेल, जहाँ जहाँ रेलवे लाइन बनती गई वहाँ वहाँ लोग सिविलाइज होते गए, ठीक है। और डी एन अनुचिन ये सोवियत थे, इन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब तो थी टाइकोटोमी। अब हम बात करते हैं डुअलिज्म ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो इसके लिए आप फिर से वेडल डेला ब्लास्ट की जो लाइंस हैं वो कोट कर सकते हो। ये एज सच रटने की नीड नहीं है, बट ट्राई करो जितना आप रट लो लाइन बाई लाइन। जैसे वट आई डिड, क्यों मेरे मार्क्स हैं इतने कि ये लाइन बाई लाइन रट लिए मैंने सीधे, ठीक है। और कुछ आप कर नहीं सकते, समझ लो अल्टीमेटली तो आपको ये लैंग्वेज रिप्रोड्यूस करनी है। तो ये लाइंस आप हमेशा ट्राई किया करो, सीधे एक सिंगल गो में पढ़ो। इट इज़ अनरीजनेबल टू ड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल फिनोमिना, ठीक। तो आपको ये चीज़ें ऐसे रट लेनी चाहिए। आप मतलब क्यों बना रहे हो आप ये अनरीजनेबल है ऐसी बाउंड्रीज बनाना, ठीक है। दे शुड बी रिगार्डेड एज यूनाइटेड, दोनों में आपको बाउंड्री मत बनाओ, दोनों एक ही हैं। और इन्होंने साथ में ये चीज़ कही थी, जहाँ पर इन एरियाज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स नेचर चेंजेस सिग्निफिकेंटली, जहाँ भी ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं वहाँ नेचर काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज होती है। देन डाइकोटोमी के बाद डुअलिज्म में आप पहली बात करोगे, ये डुअलिज्म चल रहा है, ऊपर तक डाइकोटोमी था। डुअलिज्म में आप वेडल डेला ब्लास्ट की बात करोगे, देन आप बताओगे म्यूचुअली इंट्रैक्टिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं कि मतलब मैन नेचर रिलेशन आप इस्टेब्लिश करो, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को करो। ईच ऑफ द टू इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि डाइकोटोमी जो है दैट इज़ आर्टिफिशियल एंड इलॉजिकल। चौथा पॉइंट आप लिखोगे कि द डुअलिज्म इज़ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। इस तरह से डेवलप हुआ तो लोगों को जहाँ जैसी सुविधा मिली वहाँ कर लिया। तो अल्टीमेटली हार्टसहोल्न इन्होंने क्या कहा था कि इफ़ वी डिवाइड ज्योग्राफी इंटू फिजिकल एंड ह्यूमन वी मेक द रेस्ट ऑफ द वर्क इलॉजिकल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और अल्टीमेटली आप पी ई जेम्स इनके वर्ड से तो कंक्लूड कर ही दोगे, पी ई जेम्स की जो हमने बात की थी ये कंक्लूजन के लिए लिख दिया। जो भी आप डाइकोटोमी डुअलिज्म करोगे इंट्रोड्यूस आपको डाइकोटोमी से करना है, देन बीच में डाइकोटोमी का पार्ट ए बताओ, देन पार्ट बी बताओ कि फिजिकल ऐसी होती है ह्यूमन ऐसी होती है। लास्ट में आप चाहे डाइकोटोमी का ही क्वेश्चन क्यों ना पूछाओ डुअलिज्म पे जाओ कि ठीक है ऑल दो दिस इज़ ओके, लेकिन दोनों के इंटीग्रेशन से ही एक अच्छा वर्ल्ड बन सकता है। तो इसको आपको इस तरह से इस टॉपिक को हैंडल कर। तो आई होप कि आप ये डुअलिज्म पे भी काफ़ी कुछ लिख पाओगे, और ये वाला क्वेश्चन तो फिर सीधा ही हो गया, और साथ में ये डिटर्मिनिज्म का थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया। तो अगले टॉपिक में हम लोग अभी डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बजाय अगले इस सिलेबस के अगले टॉपिक पर मूव करेंगे, इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म में लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। इसके कुछ लेक्चर्स एडवांस्ड लेवल 3 एंड लेवल 4 में हम लोग रखेंगे, तो इफ़ यू विश देन यू कैन ज्वाइन। जो भी अभी लेवल 3 के लेक्चर्स होने वाले उसमें पेड कोर्सेज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये लेवल 4 में आएंगे। स्टडी मटेरियल PDF जो भी ये है प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो रहने वाले हैं, ठीक है। सो इफ़ यू विश देन यू कैन ज्वाइन ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी एनीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे।